Good morning, students. Today we discuss the last topic of chapter 10 respiration in animals. What was the last topic? Breathing in other animals. In a previous section, we can see the breathing in animals and human beings. The animals, such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, स्नैक बर्ड्स है लंग्स इन देअर चेस्ट कैटी लाइक द ह्यूमन बींग्स जितने भी अभी आपको यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं उनमें क्या होता है लंग्स होता है फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ठीक है फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग इन कॉकरोच अब आप लोगों को पता है कॉकरोच क्या है रेंगने वाला कीड़ा है रेंगता है जिसको रेंगता है उसको हम क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स वो किस कैटेगरी में आते हैं इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं मैनी इंसेक्ट्स लाइक काक्रोच हैव अ स्मॉल ओपनिंग कॉल स्पैरिकल्स इसमें क्या होता है छोटे छोटे चुछ से होल्स होते हैं उनकी जो बॉडी रहती है बॉडी के साइड में छोटे चुछ छोटे से होल्स प्रजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्पैरिकल्स और जैसे अपने में नोस्टल्स वर्क करते हैं कि एयर को एंटर लेने के लिए वैसे ही उनकी बॉडी में क्या कौन वर्क करता है स्पैरिकल्स वर्क करते हैं ऑक्सीजन को एंटर करने के लिए और, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए सेकेंड ऑल्सो दे है एयर टूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल ट्रैक यार दैट अलोज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन दीज इंसेक्ट्स हम सांस कहाँ से लेते हैं ह्यूमन बॉडी में नोस्टल्स no के थ्रू और गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सेल में चली जाती है और सेल से जो कार्ब नहीं ऑक्सीजन सेल में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से किस में ट्रांसफर होती है आपके लंग्स में ठीक है तो अपने बॉडी में लंग्स हैं गैस को एक्सचेंज करने के लिए सेम इज इंसेक्ट्स में कॉकरोच में आपका ट्रेकि प्रेजेंट होता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पैरिकल्स एंड डिफ्यूज इन द सेल वी आर है जो ऑक्सीजन रिच एयर वो एयर जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिच एयर वो एंटर्स होती है कॉकरोच की बॉडी में किसके थ्रू होती है स्पैरिकल्स के थ्रू होती है और कहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है सेल किसके थ्रू होती है ट्रैकिया के थ्रू होती है ठीक है फोर सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द सेल एंटर्स द ट्रैकिया एंड मूव आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पैरिकल्स अब कार्बन डाइऑक्साइड का पैसेज क्या होगा कैसे ट्रेवल करेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जेनेट कहाँ हुई कॉकरोच की सेल्स में तो सेल्स से कहाँ आएगी ट्रैकिया में एंड देन ट्रैकिया से स्पायरिकल्स के थ्रू एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी ये आपका ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसमें कॉकरोच में नेक्स्ट वी डिस्कस हियर द डायग्राम ऑफ स्पाइरिकल्स ओके तो ट्रैकियल ट्रूब्स आपको दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको बोला है ट्रेकियल ट्यूब्स यहाँ पे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है और ये जो बीच में गोल होल टाइप का है वो आपका क्या है एयर सेक्स एयर सेक्स मतलब जहाँ पे आपकी एयर जो होती है फिल्ड होती है ठीक है स्पाइरकल्स के थ्रू वो एयर क्या होती है हो, एंटर होती है ठीक है ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है स्पाइकल्स स्पाइकल्स मतलब होल प्रेजेंट है ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच सेकेंड डिस्कस करेंगे अपन ब्रीथिंग इन अर्थवॉम अर्थवोम में ब्रीथिंग कैसी होती है नॉर्मली आप लोगों ने अर्थबॉम देखा होगा अपन उसको क्या बोलते हैं फार्मर फ्रेंड फ्रेंडली भी बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंडली बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्मली कहाँ मिलते हैं सॉयल में मिलते हैं ठीक है द अर्थवम हैव आ सॉफ्ट सिलमी एंड मोस्ट स्किन सिलमी मतलब होता है जो थोड़ी सी चमकदार थोड़ी सी चमकती चमकती हुई दिखती है दूर से अगर अर्थबॉम को देखोगे तो थोड़ा सा शाइनिंग रहती है एंड मोस्ट स्किन मोस्ट मतलब उसकी जो बॉडी है उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है थोड़ी छूने में गीली गीली रहती है स्किन ठीक है हंड द गैस कैन ईजली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवर्म थ्रू इट्स स्किन ठीक है इसमें जो अर्थ है अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन earth होता है किसके थ्रू होता है स्केल्स के थ्रू होता है ठीक है स्किन के थ्रू होता है ठीक है कॉकरोच में स्पायरिकल्स के थ्रू होता है सेकेंड फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक अ ह्यूमन बींग्स दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देअर स्किन विच इज मोइ एंड स्लिपरी ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रॉक देखा होगा फ्रॉक की स्किन भी कैसी होती है मॉइस्ट होते हैं स्लीपरी होती है स्लीपरी मतलब फिसलती है ठीक है तो फ्रॉग में लंग्स भी प्रेजेंट होता है और जो उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट भी है ठीक है तो यहाँ ध्यान देंगे दे जो फ्रॉग है वो दोनों से ब्रीथिंग करते हैं आपके लंग्स से भी और स्किन से भी क्योंकि आपने देखा है फ्रॉग आपको पानी में भी मिलता है वाटर में भी मिलता है एंड लैंड में भी मिलता है तो जब वो लैंड में रहते हैं फ्रॉग तो वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू करते हैं और जब वाटर में रहते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ओके दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग और अर्थवॉर्म द सेकेंड वी डिस्कस ब्रीथिंग अंडर वाटर फर्स्ट एनिमल डेट लिव अंडर वाटर हैव अ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्कैंड गिल्स ठीक है अब जो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन कैसा होगा अब आप लोगों को पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन में तो नॉर्मली बात है जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो नॉर्मली ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे वाटर से लेंगे क्योंकि वाटर में क्या है ऑक्सीजन आपकी डिजोल्व फॉर्म में ओके okay? तो इसमें जो रेस्पिरेशन जो होता है जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं ठीक है गिल्स गिल्स आर अ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स जो जो गिल होता है, -like जो होता है जो होते हैं वो लाइक स्ट्रक्चर कॉम्बलाइक आप कंघी करते हो उस टाइप का स्ट्रक्चर उसका होता है गिल्स अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एनिमल्स एंड द वाटर गिल्प गिल्स क्या करता है आपको एक्सचेंज करता है गैसेस किसके किसके बीच में आपके एनिमल्स और आपके वाटर के बीच में दोनों के बीच में आपका गैस का एक्सचेंज करता है आप गैस एक्सचेंज कैसा करेगा वो वाटर से क्या लेता है ऑक्सीजन एंटर होती है गिल्स के थ्रू वहाँ पे क्या होती है ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है ठीक है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके गिल्स के थ्रू वो कहाँ जाता है वाटर में आ जाता है ओके हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स इन अ फिश ठीक है

क्योंकि उनको क्या करना है फोटोसिंथेसिस करना है पर इनकी प्रोसेस में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो अपोजिट वे में होता है कैसे दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज यू नो डैट प्लांट्स क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमोसफेयर से इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं ऑक्सीजन ठीक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं वो किस प्रोसेस में यूज़ होता है आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यूज़ करके वो क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं ठीक है टू प्रोड्यूस फूड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथिस प्लांट्स दे रिलीज आउट ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर और वो जो ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन एटमोसफेयर में रिलीज करते हैं वो कौन यूज़ करता है एनिमल्स यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं All the parts of the plants can independently respire. That is, they can take in carbon dioxide and release oxygen on their own. जितनी भी plants के parts होते हैं, वो अलग-अलग तरीके से carbon dioxide और oxygen का gaseous exchange करते हैं, ठीक है? कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता है लीव्स में अलग होता है रूट्स में अलग होता है स्टेम्स में अलग होता है आपको क्लास सेवेंथ में सिर्फ किस में दो रेस्पिरेशन पढ़ना है लीव्स लीव्स में कैसे होता है और रूट्स में कैसे होते हैं तो आप लोगों को पहले ही पता है कि लीव्स में स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि आपने चैप्टर वन में पढ़ चुके हो द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव अ स्टोमेटा प्रेजेंट अपॉन दैम विच आर द स्मॉल पोल लाइक स्ट्रक्चर्स दे अलो द गैस एक्सचेंज इन लीव्स अब आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है लीव्स में होती है तो गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा स्टोमेटा तो के थ्रू होगा क्योंकि छोटे तो छोटे -like से पोल प्रेजेंट होते हैं आपके लीव के अपर सरफेस में ठीक है ठीके? अपर मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है एंड स्ट्रक्चर ऑन एब्जॉर्ब द एयर प्रेजेंट इन सॉइल और आप लोगों को पता है जब रूट्स आप लोग किसी भी प्लांट्स की अपरूट करते हो तो आप लोगों को उसमें हेयर्स दिखते हैं तो वो हेयर्स क्यों होते हैं क्योंकि वो ही आपकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं जो कि आपके सॉयल में प्रेजेंट है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स थैंक यू